नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2022-23 के बारे में। हमारा जो मीडियम है वो इंग्लिश रह रहा है। इसमें देखो, एक वीडियो ऑलरेडी कवर किया जा चुका है जिसका लिंक आपको पहले भी शेयर किया कर दिया गया था। आप एक काम जरूर से कर लो कि अपना टेलीग्राम चैनल है गार्गी क्लासेस RPSC के नाम से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है। इसके अलावा बहुत सारी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है, जैसे राजस्थान का जो GK है जिसमें ज्योग्राफी आप ले लो, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, और ये इकोनॉमी का पार्ट अपना राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू से कवर हो ही जाएगा। तो ये आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी गार्गी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज का जो वीडियो रहेगा ये हमारा सेकेंड वीडियो है, ठीक है। राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू में हमारा ये सेकेंड वीडियो है। एक वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिसमें कि जिससे कि हमें भी एक फीडबैक मिले। साथ में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पिंड मैसेजेस को फॉलो करके पिंड मैसेज को फॉलो करके और इजीली ऑर्डर कर सकते हो। PDF आपको मिल जाएगी वहीं पर, पूरा एकदम प्रोसेस पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर RAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए इंग्लिश मीडियम से, तो राजस्थान का जो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जैसे इंडिया का, वर्ल्ड का, ज्योग्राफी में ले लो या इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, और हिस्ट्री का। ये जो प्रीलिम्स का कंटेंट है ये हमारा ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप वो भी पेड कोर्स के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में भी डिटेल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, जो रिपीटेडली मैं शेयर करता रहता हूँ, ओके। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी तक हमने ये देख लिया था कि राजस्थान एज अ स्टेट कहाँ स्टैंड करता है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो राजस्थान की पोजीशन क्या है, जैसे हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में राजस्थान लोकेटेड है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बस अब फर्क इतना सा है कि हमारा टारगेट रहने वाला है वो है इकोनॉमी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट इकोनॉमी की कि क्या पोजीशन है। देखो, जब कभी भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया लेवल या नेशनल लेवल की अगर बात आती है तब तो एक वर्ड यूज होता है, दैट इज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको अगर हम समझेंगे तो फिर राजस्थान स्पेसिफिक भी वो चीजें हमें समझ में आएगी। देखो, GDP के लिए नॉर्मली कहा जाता है कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया, कोई भी आइडेंटिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया अगर आप लेते हो, उस आइडेंटिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया में अगर कोई भी पूरे, जो जनरली लिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि आपकी फर्स्ट डेट होती है फर्स्ट ऑफ अप्रैल, और उससे फिर नेक्स्ट ईयर में आप जाते हो 31st of March। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2022-23 की, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ अप्रैल किस ईयर का जाएगा, 2022 का, और 31 मार्च किसका जाएगा, 2023 का। तो ये फाइनेंशियल ईयर हम नॉर्मली लेते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे देशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकल भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, तो उनके द्वारा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही है, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, उसको एड ऑन कर दो, और वो ही आपका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन चीजों को हम और डिटेल में आगे भी देखेंगे। अभी तो क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है इकोनॉमिक रिव्यू का, उसी को हम समझ रहे हैं, उसी का ये सेकेंड पार्ट है, ओके। अब देखो यहां पर इकोनॉमी की, अब ये तो हो गया GDP की वर्ड आ गया जो नॉर्मली नेशन के लिए यूज किया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान है वो तो एक स्टेट है, तो यहां पर बात वही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट यहां पर स्टेट वर्ड ओवर एड हो गया, ठीक है। यहां पर स्टेट वर्ड है वो ओवर एड हो गया, यहां पर आप आसानी से देख सकते हो, ये रहा स्टेट वर्ड है वो ओवर एड हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, ये कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि राजस्थान स्टेट में क्या परफॉर्मेंस रही है इकोनॉमिकली। अब जैसा मैंने आपको बताया कि GDP नेशनल लेवल पे कैलकुलेट होती है, तो उसमें स्टेट वर्ड ऐड हो गया, तो स्टेट लेवल की GDP का आपको पता पड़ गया, जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वहीं पर
अब आपको पता है कि इतना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है जिनसे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में आपको वहां पर कुछ एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। जो भी हमारी मशीनरी है उसका वियर एंड टीयर कॉस्टिंग भी निकालनी पड़ेगी, जिसको हम एक टर्मिनोलॉजी या एक टर्म के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, दैट इज डेप्रिशिएशन। इसका मतलब टूट फूट जो होती है वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीएसडीपी अगर आपने कैलकुलेट कर लिया राजस्थान का, उसमें से अगर आपने डेप्रिशिएशन को माइनस कर दिया, जो भी टूट फूट है उसको अगर आपने हटा दिया, तो आप वहां पर निकाल लोगे नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, और एक्यूरेसी आ गई। अब यहां पर तो आपने क्या देखा कि टूट फूट को तो इंक्लूड किया, टूट फूट के बारे में तो मेंशन नहीं किया, बस इतना सा देखा कि कितने गुड्स और सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। पर यहां पर हमें समझना होगा कि डेप्रिशिएशन होता है वो भी तो एक लॉस ही है, तो लॉस को तो माइनस करना पड़ेगा, तब हमें एक्यूरेट डेटा मिलेगा। तो उसे हम बोल देंगे नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम जीएसडीपी में से डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे तो। ठीक है, फिर आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अगर कैलकुलेट करनी हो आपको, तो इसके कई मेथड्स हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है, जनरली अगर देखा जाए, ये जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें पॉपुलेशन जितनी भी है उससे डिवाइड कर दो, तो एक बंदे की कितने हिस्से में कितना, मतलब आप कह सकते हो इकोनॉमी का वॉल्यूम आ रहा है, वो पर कैपिटा इनकम के तौर पे होती है। पर एक्यूरेटली अगर जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन तो आपने माइनस कर ही दिया, अब आपको क्या करना पड़ता है, ये जो वर्ड है यहां पर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको डोमेस्टिक को भी आपको नेट में लाना पड़ेगा, या फिर नेशनल वर्ड आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे होता है, देखो राजस्थान में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज में आप देखोगे कि विदेशी कंपनियां भी यहां से कमा के पैसा लेकर के जा रही हैं, पर वो पैसा जो यहां से कमाया है वो तो उनके खुद के देश में काम आएगा ना। तो इसलिए जो राजस्थान के नेटिव्स हैं, जो बाहर से पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, वो तो हम ऐड कर दें, और जो राजस्थान से पैसा कमा करके विदेशी कंपनियां बाहर लेकर के जा रही हैं, विदेशी फॉरेनर्स यहां से बाहर लेकर के जा रहे हैं, उसको हम कर दें माइनस। तो वो जो चीज आ जाएगी वो हमें एक्चुअल में पता पड़ेगा कि नेट स्टेट नेशनल प्रोडक्ट कितना है। पर यहां पर नेशनल तो वर्ड हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि इंडिया के लिए यूज होता है, तो जनरली जो टर्म यूज होती है वो यहां पर जो दी हुई है उसी से काम चला लेते हैं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया था आपने, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी को आपने डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया था, तब आपको पता पड़ गया कि हाँ जी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया, उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, वो आपकी पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हो जाती है, अगर मोटी मोटी कैलकुलेशन देखी जाए तो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। देखो ये एक की इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है या इंडिकेटर है जो परफॉर्मेंस बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई है। जैसा कि हम यहां पर राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन चल रहा है अपना। इसमें आपको उस इकोनॉमी के डेवलपमेंटल स्टेटस का भी पता पड़ता है। फिर बात आती है पर कैपिटा इनकम की, तो भाई सीधी बात है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मैंने बताया उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो आपकी वो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी जो हमारे पास में डेटा अवेलेबल है राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2022-23 के बेसिस पे कि क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस राजस्थान इकोनॉमी की रही है, अगर उसको हम समझे तो आप यहां पर देख पाओगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 ओवर 2021-22, इसको हम समझेंगे पहले कैसे। यहां पर इंडिया के साथ में कंपेरिजन किया गया है, हर जगह पे आप नोटिस करोगे कि इंडिया के कंपेरिजन में राजस्थान कहां स्टैंड करता है, यहां पर इंडिया का आ गया, यहां पर राजस्थान का आ गया। एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो कंपैरिजन करते हैं वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा गया, 2021-22, और जो हम अभी जिस रिव्यू की बात कर रहे हैं जिसमें हमें ये पता पड़ रहा है कि पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही राजस्थान की, तो वो होगा 2022-23। तो ऐसे में आप देखोगे तो आपने प्रीवियस ईयर के साथ में ही कंपैरिजन किया। ठीक है, अब कंपैरिजन करने के दो तरीके हैं, एक तो है करंट प्राइस मेथड, एक है कांस्टेंट प्राइस मेथड। करंट प्राइस मेथड का मतलब तो ये है कि 2021-22 के टाइम पर क्या रेट्स चल रही थी, मान लो एक ये पेन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर हुई तो इसकी रेट क्या चल रही थी 2021-22 में, और उसी रेट को आप यूज कर रहे हो कैलकुलेशन में, तो वो हो जाएगी आपकी करंट प्राइस। और वहीं पर अगर आप
इसी पेन की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो, पर आपने बात की एक पर्टिकुलर ऐसा ईयर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि जी उस ईयर से हम थोड़ा रेफरेंस लेकर के आइडिया लगाएंगे कि एक्चुअल में महंगाई कितनी बड़ी है। अगर वो आपको पता करना है तो आप क्या करोगे कि उस 2000 जैसे यहां पे 2011-12 की रेट्स को आपने फिक्स कर रखा है तो ये हो जाता है कांस्टेंट प्राइस। अगर इसके अलावा देखा जाए तो इन दोनों बेसिस पे हम कैलकुलेट करें तो इंडियन इकोनॉमी का क्या परफॉर्मेंस रहा और राजस्थान इकोनॉमी का क्या परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में जानते हैं। वैसे आज मैंने एक्सप्लेन पे एडिटोरियल पेज अच्छे से डिस्कस किया, डेट बता रहा हूं मैं आज की 2 जून 2023, तो आप देखना एडिटोरियल पेज पे हमने इंडियन इकोनॉमी की 2022-23 का जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड डिस्कशन किया है, पूरी डिटेल आई है और ये क्लियर हुआ है कि 2022-23 में जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं उनकी बात अगर करें तो उन एस्टिमेशंस के बेसिस पे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रही है 7.2%। ये है रियल जीडीपी ग्रोथ, ये ध्यान रखना। रियल कैसे कैलकुलेट होती है, जब आप कॉन्स्टेंट प्राइसेस के बेसिस पे देखो, ठीक है। कॉन्स्टेंट प्राइस का मतलब जो आपने ईयर फिक्स कर रखा है उसकी आप रेट्स लोगे, प्राइसेस लोगे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब यहां पर देखो कि अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस के बेसिस पे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो क्या रही, तो आप यहां पर देख सकते हो कि नॉमिनल मैनर में करंट प्राइस के ऊपर जो कैलकुलेट होती है उसको नॉमिनल ग्रोथ बोलेंगे, ये ध्यान रखना नॉमिनल। और उसी में से अगर आपने इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया, महंगाई का इफेक्ट हटा दिया, तो आप पहुंच जाओगे रियल पे, तो ये हो जाती है वो कांस्टेंट पे कैलकुलेट होने वाली। तो आप देखोगे कि इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 में कितनी रही, 15.4% इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस, ये है नॉमिनल। जबकि दूसरी तरफ रियल देखोगे तो ये कितना रहा, 7%। ये था एस्टिमेट। अब ये जो इकोनॉमिक रिव्यू जब आया था ना राजस्थान वाला, तो उस टाइम तक 2022-23 के फोर्थ क्वार्टर के डेटा रिलीज नहीं हुए थे। इंडिया लेवल की अगर बात करें, फोर्थ क्वार्टर का डेटा भी कल परसों ही आया है, तो उस बेसिस पे अगर देखो तो इंडिया की इकोनॉमी की रेट अब हो चुकी है 7.2%। ओके, आगे ये वाला जो 7% है ये 7.2 हो गया है, थोड़ा ध्यान रखना। फिर बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान की परफॉर्मेंस नॉमिनल टर्म्स में अगर देखें तो 2021-22 के कंपैरिजन में 2022-23 में नॉमिनल दैट मींस करंट प्राइसेस पे ग्रोथ रेट क्या आई, 16.04%। वहीं पर अगर हम कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो राजस्थान की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी आ रही है, 18.19%। तो ये आप जरूर ध्यान रखोगे कि कैसे हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं। अब आ जाइए दूसरे बार डायग्राम पे। इसमें आप देखो पर कैपिटा इनकम की हम बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम मैंने अभी अभी देखा ही था, तो पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करना है तो उसमें अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले कांस्टेंट प्राइस दैट मींस नॉमिनल पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो वो कितनी आ रही है, 13.7%। इसका मतलब 2021-22 के कंपैरिजन में 2022-23 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नॉमिनल टर्म्स करंट प्राइसेस पे कितनी गई है इंडिया की, 13.7%। मतलब लोगों का इनकम का लेवल बड़ा है, पर ये महंगाई इंक्लूडेड है इसमें, ध्यान रखना। अब महंगाई को हटा दो तो एक्चुअल में कितनी बढ़ी है, 5.5%। तो अगेन वही 2011-12 का ही बेस ईयर लिया हुआ है पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर राजस्थान की परफॉर्मेंस देखें तो करंट प्राइसेस पे राजस्थान का ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट कितना रहा, 14.85%। और वहीं पर दूसरी तरफ आप नजर डालोगे तो रियल जो ग्रोथ है या फिर हम कहें कांस्टेंट प्राइस जो ली हुई है 2011-12 की, उसके बेसिस पे अगर देखें तो राजस्थान की ग्रोथ रेट कितनी आ रही है, 6.94%। किसकी बात कर रहे हैं हम, पर कैपिटा इनकम, कि एक इंडिविजुअल को एवरेज कितना पैसा मिल रहा है, या फिर ये कहो कि एक इंडिविजुअल के बेसिस पे अगर देखें तो राजस्थान में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, ये इसमें इंक्लूड होगा। तो ये हो गया पर कैपिटा इनकम। फिर हम बात करते हैं सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा। सेक्टर का मतलब ये हो गया कि हम नॉर्मली देखें तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए हम डिफरेंट सेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और थोड़ा और एडवांस जाना चाहो तो ह्यूमन फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो 12th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें अच्छे से दिया हुआ है, क्वार्टरनरी और क्वीनरी लेवल पे और चले जाते हैं। पर अगर हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वार्टरनरी और क्वीनरी जो है वो इसमें सर्विस सेक्टर में इंक्लूड कर दिया जाता है नॉर्मली, ठीक है।
तो जनरल अगर देखें तो तीन सेक्टर्स में आप डिवाइड कर सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। एक तो होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में मेजरली एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, और सर्विस सेक्टर में फिर टर्शरी सेक्टर में सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। और ये सर्विस सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को सपोर्ट करता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो कि क्या परफॉर्मेंस आई है इंडिया में। इंडियन जीडीपी की अगर बात करें 2022-23 में, तो इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना बताया जा रहा है, 18.11%, जबकि एम्प्लॉयमेंट कितना है, जितनी वर्कफोर्स है उसका मोर देन 45% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं अगर इंडिया की बात की जाए। तो ये चीज बहुत ज्यादा कंसर्निंग रहती है, ये चीज हम वैसे डिस्कस करते रहते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, इंडियन जीडीपी में 28.48%, और सर्विस सेक्टर का आप देख सकते हो 53.41%, जबकि यहां पर एम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है, और यहां पर एम्प्लॉयमेंट है ज्यादा पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है कम। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, कॉन्ट्राडिक्शन वाली सिचुएशन है। फिर आप आ जाओ यहां पर कि राजस्थान में क्या परफॉर्मेंस है, तो एग्रीकल्चर की अगर बात करो तो एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 28.95%। फिर आप बात कर लो इंडस्ट्री की 27.31%, और सर्विस सेक्टर की 43.74%। तो इंडिया के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन राजस्थान में अभी भी ज्यादा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इसमें से हो सकता है आपको कोई भी अगर एमसीक्यू बेस्ड कोई क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी। और राजस्थान इकोनॉमी का हमेशा ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर्स बेस्ड है, राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू आपने अगर कमांड में ले लिया तो आपका काम एकदम बढ़िया सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको, ओके। और बाकी स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने बताई दिया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर एक दो पिंड मैसेज है, एक तो पीडीएफ को लेने का तरीका और एक पिंड मैसेज है जिसमें यह बताया हुआ है कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है राजस्थान के स्टैटिक पोर्शन की, तो वो आप जरूर देख लो। उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी राजस्थान की इकोनॉमी को अच्छे से समझने की, ओके। तो ये हो गया अपना पॉइंट कि कहां जीडीपी स्टैंड कर रही है इंडिया के कंपैरिजन में, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम में क्या परफॉर्मेंस आ रही है, सेक्टर वाइज अगर देखें तो एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, फिर बात आती है थोड़ा इन्फ्लेशन से रिलेटेड। अब इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल सा फंडा है एकदम, या तो ये तरीका समझो कि जो आपकी करेंसी है, ठीक है, उस करेंसी की वर्थ है वो डिक्लाइन कर रही है, दैट इज इन्फ्लेशन। या फिर ये कह दो कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज करते हो उनकी प्राइस है वो बढ़ रही है, दोनों का मतलब एक ही है। कैसे, आज अगर कोई चीज, ये पेन की बात करूं, अगर ये पेन फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपीज का आ रहा है, ओके 1500 रुपए का आ रहा है, और यही पेन आज के 4 साल पहले 1000 रुपए का आता था, तो इस केस में आप क्या समझ रहे हो कि 1000 रुपए की चीज 1500 रुपए में मिल रही है, चीज वही आ रही है पर 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए। इसका मतलब आपने क्या दिया, एक्स्ट्रा पैसा पे किया। इसका मतलब कि पेन के सामने जो रुपी की वैल्यू थी वो डिक्लाइन कर गई, तभी तो पहले 1000 देना पड़ रहा था 1500 देने पड़ रहे हैं, तो डिक्लाइन हुआ कि नहीं, इसी को बोल देते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है जी। अब आप देखो, दो तरीके से हमारे यहां पर इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, इंडेक्सेस लिए जाते हैं, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और दूसरा होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर आप बात करो तो इसमें एक कॉम्प्रीहेंसिव कैलकुलेशन होती है। कॉम्प्रीहेंसिव कैलकुलेशन कैसे, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सा आइटम है और उनको अगर हम ब्रॉडली इंक्लूड करें साथ में, तो देखा जाए कि एक्चुअल में कहां हम स्टैंड कर रहे हैं, कितना एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में पैसा खर्च हो रहा है, पहले जितना लगता था क्या उतना ही है या उससे कम है। तो उसके लिए भी आपके पास में एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा जिसको रेफरेंस ईयर बोला जाएगा। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स एक जनरल इंडेक्स है जो कि प्राइस मूवमेंट के बारे में बताता है, प्राइस मूवमेंट का मतलब वेरिएशन इन प्राइस, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, जिसमें आपको ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल का पता पड़ता है और इसमें आप सभी तरीके के ट्रेड और ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करते हो। पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहां पर हम ज्यादातर जो बात करते हैं वो गुड्स से रिलेटेड होती है, सर्विसेज इंक्लूड नहीं की जाती है, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर आ जाओ जनरल इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर है 1999-2000, मतलब
1999-2000 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स की आप वैल्यू वेरिएशन समझना चाहते हो उनकी प्राइसेस जो हैं वो 1999-2000 की टाइम की आपने फिक्स कर ली। अब वो फिक्स अगर आपने कर ली तो इसके हिसाब से आज कितनी रेट चल रही है। अगेन मैं पेन के एग्जांपल लूंगा, मान लो अब तो उस टाइम पे ये इस तरीके के पैनल और ये पेन नहीं आया करते थे, पर हाँ उस टाइम पर कोई बॉल पेन अगर आपने परचेज किया मान लो 2 रुपए का आता था, वही आज 10 रुपए में आता है, तो आप खुद समझ सकते हो कि वॉल्यूम तो वही है गुड्स का, प्रोडक्शन का, बट जो अमाउंट है, प्राइस है, वो बढ़ गया। तो वो चीज यहां पर देखने वाली होती है। तो आप देखो कि आपने 1999-2000 को आपने 100 बेसिस पॉइंट माना, तो आप देखोगे कि 2022 के ईयर की हम बात कर रहे हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स उन्हीं गुड्स और गुड्स के लिए कितना कैलकुलेट हो रहा है, 385.45। इसका मतलब जो महंगाई, जो चीज आपको 1 रुपए में मिलती थी कब 2000 के आसपास में, वो आज 21-22 साल बाद में आपको 3 रुपए की मिलती है, 3 गुना महंगाई हो गई है जिन गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जिनको हम इंक्लूड करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, एक बार मैं थोड़ा क्लीन कर लूं, फिर आप समझोगे कि किस तरीके से ये वेरिएशन आ रहा है। ओके, यहां जनरल इंडेक्स जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, वो आप देखोगे कि बेस ईयर के कंपैरिजन में, वन सेकंड, कहां जा रहा है, ओके, अगर हम जनरल इंडेक्स की हम बात करें तो जनरल इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो 385.45 पे स्टैंड कर रहा था 2022 में नवंबर तक। इसका मतलब आप खुद देखोगे कि कितना राइज हुआ है 1999 से 2022 तक, पर पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखें तो इंक्रीमेंट है कितना, 6.12%। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ज्यादा, इसका मतलब महंगाई बढ़ी है। दूसरी अगर बात करें तो प्राइमरी आर्टिकल्स में फ्यूल, पावर, लाइट, ल्यूब्रिकेंट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, इनको अगर हम इंक्लूड करके होलसेल प्राइस इंडेक्स को अगर देखें तो इनका नवंबर 2022 में क्या स्टेटस रहा, 9.92% राइज हुआ, 1.2% और 5.9% रेस्पेक्टिवली। इनको अगर आप कैटेगराइज करोगे तो इनका राइज किस तरीके से हुआ है वो बताया हुआ है। मतलब लाइट एंड ल्यूब्रिकेंट का जो प्राइस राइज हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, दैट इज 1.2%। फ्यूल की बात करो तो 9.92%। और इसी तरीके से अगर आप मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की बात करो तो उनकी इन्फ्लेशन में राइज कितना हुआ होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, 5.9%। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया लेवल पे जो जनरल होलसेल प्राइस इंडेक्स है जिसका बेस ईयर 2011-12 लिया जाता है, एक तो ध्यान रखना जनरल इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स राजस्थान लेवल की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया लेवल की। तो इंडिया लेवल पे क्या बेस ईयर लिया हुआ है, 2011-12, और यहां पर कितना लिया हुआ है, 1999-2000। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान ही रख लोगे, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो 2021 के कंपैरिजन में 2022 में इंडिया लेवल पर होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितना इंक्रीमेंट है, 12.07%, और राजस्थान लेवल पे कितना है, 6.12%। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगेन कंपैरिजन आ गया, ठीक है। इंडिया में बेस ईयर क्या लिया हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, 2011-12, और जबकि राजस्थान की बात करें तो 1999-2000। ये आप जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नाम से पता पड़ रहा है कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर जब शॉप पे जाता है कोई भी चीज परचेज करने के लिए तो उसको कितना क्या पेमेंट देना पड़ रहा है किसी भी चीज को खरीदने से। अब आपको पता है कंज्यूमर पे तो अल्टीमेट मार आती है पूरी, ऐसा तो है नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग हुई आइटम की और सीधा हमने खरीद लिया, नो, बीच में बहुत सारे सर्विसेज के पैसे भी ऐड होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई फैक्ट्री से, फिर ट्रांसपोर्ट होकर के फिर वो आता है होलसेलर के पास में, होलसेलर से फिर वो पहुंचता है कहां पे, रिटेलर के पास में, फिर हम जाकर के खरीदते हैं, और उसके बीच में भी कई और चेंज और ऐड हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे सामने ये रहता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसका फाइनल वैल्यू है वो देते हैं। तो एक्चुअल में हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया ना ज्यादा, तो वो पॉइंट यहां पर समझने वाली बात हो जाती है। तो आप यहां पर देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है
वो भी अगेन प्राइस चेंज के बारे में ही बताता है, बट यस सेलेक्टेड गुड्स के बारे में हम बात करते हैं। सेलेक्टेड गुड्स के बारे में, ठीक है, एक तो ये चीज, और दूसरा जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। वन सेकेंड, ये थोड़ा सा आगे। प्रोडक्ट्स जो हम जनरली खरीद के लेके आते हैं, ठीक है ना, सीधी बात है, हमने क्या परचेज किया उसका जो प्राइस होता है उसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस, अगेन वही बात आ गई कि हम जो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो रहा है। अब इसमें इंडेक्सिंग, इसकी इंडेक्सिंग में क्या होता है, अगेन वही आपका कोई बेस ईयर लिया जाएगा जिसमें कुछ गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा, जिनकी रेट आप बेस ईयर में निकालोगे, आज के टाइम पे निकालोगे, और आज जो दो, आज का मतलब 2022 की, 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, और उसको आप कंपेयर करोगे पिछले साल की परफॉर्मेंस, मतलब 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उससे आप कंपेयर करने वाले हो। तो यहां पर आप देखो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए आपने बेस ईयर लिया हुआ है 2016, इसका मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कि जो भी आपने पैरामीटर्स ले रखे हैं, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करके इस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हो, उनकी वैल्यू को आपने ओवरऑल 100 माना हुआ है और वो साल लिया है 2016, और उसके कंपेरिजन में आज अपनी परफॉर्मेंस को हम देखते हैं। तो देखो 3 सेंटर्स पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे यहाँ पे कैलकुलेट होता है, एक तो है अलवर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है जयपुर। ये नाम भी पूछे जाते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेशन में राजस्थान में किन किन सेंटर्स पे सर्वे होता है, तो आप ये जरूर ध्यान रखोगे। तो आप देखो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का यहाँ पे लिया हुआ है, इंडस्ट्रियल वर्कर का क्यों, कि सीधी बात है यहाँ पर भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में हम इन्फ्लेशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर, इस तरीके से 3-4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट होंगे, उनमें से एक जो जनरल होगा, जो अर्बन और रूरल दोनों का एवरेज होगा, उसको हम ज्यादा तवज्जो देंगे। फिलहाल जो है वो पॉइंट है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बेस ईयर 2016 लिया हुआ है, और इसमें अगर देखें तो नवंबर 2022 तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात जो कर रहे हैं उसमें अलवर सेंटर पे तो 4.38% की महंगाई है वो देखी गई, पता नहीं ये क्या हो रहा है, 3.8% की जो है वो राइज देखी गई है, और वहीं पर भीलवाड़ा सेंटर पर अगर देखो तो 6.92, और इसी तरीके जयपुर सेंटर की बात करो तो 6.04%, और ऑल इंडिया अगर बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे जो राइज है इन्फ्लेशन वो कितना आ रहा है, 5.66%। इसमें देखो यही चीज कैलकुलेट करने वाली होती है, इसमें देखने वाली बात यही होती है कि महंगाई कितनी हुई, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। फिर नेक्स्ट आ जाती है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के लिए क्यों पढ़ना जरूरी है, देखो इसमें एक सिंपल सा फंडा ये आता है कि किसी भी देश में या किसी भी एरिया में कोई भी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है वो मैटर करती है कि वहां पर बैंकिंग सेक्टर कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कि आप नॉर्मली देखा करो, हम चाइना, US या वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो उन कंट्रीज में जो क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट उधार वाला जो सिस्टम है, बैंक का लोन वाला सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, उतना एक्सपेंडेड तो इंडिया में भी नहीं है। अभी हमारे यहाँ पर GDP के कंपैरिजन में क्रेडिट चलता है 70% भी नहीं पहुँच पाया अभी, 60-65% क्रेडिट टू GDP रेशियो, जबकि चाइना में 170% चल रहा है, जर्मनी, फ्रांस, इनमें सब में 150%, 125-130 इतना परसेंट, मतलब GDP की साइज है उससे ज़्यादा तो वहाँ पर लोन चलते हैं। लोन चलने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर केवल उधार देकर के भूल जाया जाता है, लुटाया जाता है पैसा, नहीं, लोन देने का मतलब ये है कि वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी दुरुस्त है, इतनी एक्यूरेट है या इतना अच्छे से परफॉर्म कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकों से लोन लेता है और इन्वेस्ट करता है पैसे को। और आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा पैसा तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको कुछ रिटर्न मिले, प्रॉफिट के लिए काम करता है प्राइवेट सेक्टर, कभी भी अपने कोई दातारी के लिए काम नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर में। तो वो जो चीज है वो ये शो करता है। तो बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो हमेशा किसी भी सिस्टम के लिए ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राजस्थान में भी अगर देखें तो बैंकों का एक अच्छा खासा नेटवर्क डेवलप्ड है जो मनी सप्लाई में अपना रोल प्ले करते हैं।
सितंबर 2022 तक का डेटा यहां पर अवेलेबल है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में टोटल 7,987 बैंक्स हैं या ऑफिसेज हैं बैंक्स के। इनमें से पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट मींस गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें तो उनकी टोटल 4,195 ब्रांचेस हैं। रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज की अगर बात करें तो उनकी टोटल ब्रांचेज हैं 1590। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वो है 1688। इसके अलावा फॉरेन बैंक्स उनकी ब्रांचेस की बात करें तो राजस्थान में है वो 9। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो उनकी ब्रांचेज है 469। देन कम्स पेमेंट बैंक्स, उनकी ब्रांचेज है 36। तो इसमें से कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इनमें से एक तो आप आरआरबी के बारे में जरूर याद रखोगे कम से कम, बाकी तो सारा ही याद रखना है। आरआरबी के बारे में, एक पब्लिक सेक्टर के बारे में, और एक ये कंप्लीट फिगर जो है इसके बारे में। ये तीन फिगर बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें से सीधा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे अगर बात आती है तो फिर आती है डिपॉजिट्स की। अब देखो थोड़ा बैंकिंग सिस्टम के बारे में बेसिक बताने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद में ये चीज हम समझेंगे। देखो बैंक्स बेसिकली इंटरमीडियरी का काम करते हैं। कैसे? जिन लोगों के पास में एक्सेस पैसा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने उस पैसे को डिपॉजिट करा देते हैं बैंकों में ले जाकर के। और वो पैसा बैंक अपने पास में रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पास ही रखेगा। नो, बैंक के पास पैसा कहां से? अब सीधी बात है, किसी ने पैसा डिपॉजिट किया है तो वो क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। अब बैंक क्या करेगा उस पैसे का? उस पैसे का मार्केट में क्रेडिट करेगा। क्रेडिट का मतलब उधार दिया जाएगा बैंक के द्वारा, और बैंक से जो उधार लिया जाएगा, जो उधार लेने वाले हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई कॉरपोरेट हाउस भी हो सकता है, इवन गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो जो भी उधार लिया जाएगा उसकी इंटरेस्ट रेट भी होगी कुछ। अब यहां की जो इंटरेस्ट रेट है उसको 1 बोल दो और यहां की इंटरेस्ट रेट है उसको 2 बोल दो, तो इंटरेस्ट रेट 2 जो बैंक चार्ज करता है लोन पे वो तो होती है ज्यादा, और इंटरेस्ट रेट 1 जो बैंक पर लोग चार्ज करते हैं या बैंक जो जमा राशि है, जो डिपॉजिटेड अमाउंट है जिस पर रिटर्न करता है, वो होती है कम। इससे क्या है कि ये ज्यादा होगी तो बैंक के पास में पैसा थोड़ा ज्यादा आएगा जो मार्केट में उधार दिया हुआ उसके रिटर्न में, और उसमें से एक हिस्सा बैंक अपने पास रख लेगा और एक हिस्सा जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें बांट देगा। तो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम है ये काम करता है। तो बैंकों में अगर डिपॉजिट अगर बढ़ रहा है तो बताया जा रहा है कि 12.51% इंक्रीमेंट है 2021-22 के कंपैरिजन में 2022-23 में। अब आप देखो कि यहां पर बैंकों को अगर किसी ने पैसा दिया, बैंकों में पैसा जो डिपॉजिट कराया जाता है वो बैंकों के लिए होती है लायबिलिटी। ये उनकी जवाबदेही, मतलब जवाबदेहिता होगी यहां पे। इसका मतलब एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मेरे पास, बैंक के पास में किसी का पैसा आ गया तो वो रिटर्न भी करना पड़ेगा, लोगों ने पैसा अगर डिपॉजिट कराया है तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो वो होती है लायबिलिटी, ठीक है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो बैंकों के पास, बैंक जो लोन देते हैं उससे बैंकों की होती है कमाई, तो वो है एसेट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना क्रेडिट दिया जाता है उससे बैंकों को फायदा होता है। नहीं तो आप खुद देखो कि बड़े बड़े स्कैम्स निकल के आते हैं, बड़े बड़े लोन लेने वाली कंपनियां बर्बाद हो जाती है, भाग जाती है, उसके बावजूद भी बैंक है वो लोन देते रहते हैं। क्यों? रिटर्न मिलता है, क्योंकि कमाई का साधन ही क्रेडिट है बैंकों के पास में। तो यहां पर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो यही शो कर रहा है कि आपके पास में एसेट कितने हैं और बैंक के ऊपर लायबिलिटी कितनी है। ये चीज यहां से क्लियर होगी कि बैंकों में डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है वो बैंकों की लायबिलिटी है, बैंकों को रिटर्न करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और वहीं पर एसेट्स की बात करें तो ये बैंकों के जो बैंक जो लोन देते हैं वो बैंकों के एसेट होते हैं, ओके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934, इस एक्ट के बेसिस पे अगर आप देखोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि इसकी सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स लिस्टेड हैं उनको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। वो प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट बैंक्स भी हो सकते हैं। तो इस चीज में आप देखो कि जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनमें जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, दैट मींस कितना पैसा जमा किया और उसके कंपैरिजन में कितना लोन दिया, उसकी बात करें तो आप देखोगे कि राजस्थान में ये 79.04% पे आ गया, जबकि इंडिया में ये स्टैंड करता है कितने पे? 74.77% पे। इसका मतलब ये है, ये 2022 सितंबर की बात है,
इसमें आप देख सकते हो कि इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ठीक है, वो आप यहां से देख सकते हो कि राजस्थान में क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 75.53% हुआ करता था 2021 में, जो कि बढ़कर के कितना हो गया 79.04%। इसका मतलब क्रेडिट ज्यादा गया है, इसका मतलब बैंकों के एसेट्स राइज हुए हैं, ठीक है, बैंकों की इनकम बढ़ने का स्कोप बढ़ा है। और बैंक की इनकम बढ़ने का स्कोप कब बढ़ता है, लोग उधार लेंगे तो उधार क्यों लेंगे, जब मार्केट में फ्लो होगा, मार्केट में फ्लो होगा तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, पैसा बनेगा, पैसा बनेगा तो ऑटोमेटिकली बैंकों को भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो चीज यहाँ पे दिखाई देती है। और सेम चीज आप इंडिया के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इंडिया में जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो पिछले साल का था दैट वाज अराउंड 70.01%, जो कि राइज होकर के सितंबर 2022 तक राइज होकर के 74.77% तक आ गया। तो ये जो चीजें डेटा को आपको थोड़ा ध्यान से रखना है, ओके, अभी हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, फिर से मैं बता दूं, ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और बाकी डिटेल की जो बातें होंगी वो और हम आगे कवर करेंगे। फिर आता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड इरिगेशन, ये आपको थर्ड वीडियो में मिलेगा। अभी इस वीडियो में जो हमारा डिस्कशन है वो हम यहीं पे हॉल्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन, कोई अगर आपकी तरफ से कमेंट, तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। बाकी जो मैंने बताया आप वो आराम से फॉलो करो, गार्गी क्लासेस को प्रमोट करो, जितना ज़्यादा ज़्यादा अपना सर्कल बढ़ेगा उतना मोटिवेशन मिलेगा और बढ़िया क्वालिटी के आपके वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।